हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है इमानेंट स्टडी पर। दोस्तों, आज पटवारी सिलेबस का विस्तार से पूरा चर्चा करते हैं। जो मध्य प्रदेश में पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है और लगभग वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग अपनी तैयारी बना के रखें। घर में बिल्कुल डिमोटिवेट होके मत बैठें। इस समय और अच्छा समय चल रहा है लॉकडाउन में, ना आपको कहीं जाना है ना कुछ करना है, चुपचाप घर में बैठ के पढ़ते रहना है। तो चलिए, आज मैं आपको पूरा विस्तार से मध्य प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम पैटर्न समझा रहा हूँ, और इसको आप अच्छे से नोट कर लें और विधिवत तैयारी करने लगे मन लगा के। चलिए देखते हैं। हियर वी आर मेंशनिंग द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ पटवारी एग्जामिनेशन ऑफ मध्य प्रदेश। कैंडिडेट कैन चेक दिस एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दिस। उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कुल 5 सब्जेक्ट होते हैं जिससे पेपर आता है, 5 20 नंबर के होते हैं। तो टोटल एग्जाम हमारा 100 नंबर का होता है। जनरल नॉलेज है 20 नंबर का, ये भी आता है। दूसरा सब्जेक्ट जनरल मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, ये भी 20 नंबर का आता है। फिर जनरल हिंदी है, वो भी 20 नंबर की आती है। रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है, वो भी 20 नंबर की आती है। और कंप्यूटर साइंस 20 नंबर की। ऐसे करके टोटल कुल मिला के 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 90 मिनट का आपको समय मिलता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये ऑनलाइन होता है। प्रोवाइडिंग द एंटायर डिटेल रिकॉर्डिंग द एमपी पटवारी एग्जामिनेशन, वी आर गिविंग हियर द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ ईच टॉपिक विच इज मेंशनड अबव। तो चलिए उसको विस्तार से देखते हैं कि ऊपर जो जो मेंशन किया गया है उसको हम चर्चा करते हैं। जनरल नॉलेज में क्या क्या है? अपना इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। आगे दोस्तों जब इसका वीडियो हम बनाएंगे तो पूरा ये भी बताएंगे इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, केमिस्ट्री में कितना चैप्टर आएगा, बायोलॉजी में आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर हर सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिसे आप पढ़ के पूरा महान ज्ञाता उसके बन सकते हैं। लेकिन आपको इतना महान ज्ञाता नहीं बनना है, आपको सिर्फ पटवारी का जो पेपर है उसको फाइट करना है और अपना सिलेक्शन करवाना है। और इसमें PhD करना नहीं है आपको, ना उसका विशेषज्ञ बनना है। तो इसलिए आप विस्तार से थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करें, जितना सिलेबस में आता है उस हिसाब से अपना सिलेक्शन पक्का करें। तो केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, हिस्ट्री एंड इंडिया इज ऑफ MP हो गया, और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हो गए, फिजिक्स हो गया, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड MP हो गया, इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस हो गए, इम्पोर्टेंट डेट्स हो गए, पॉलिटी हो गई, फिर अपना आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ MP हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। फिर इतना अपना GK में आता है। इसको अच्छे से नोट कर लें और अच्छे से तैयारी खींच के अभी से करते रहें। ये बिल्कुल सोच के मत बैठें कि जब हमारा वो आए नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे। दोस्तों एक चीज़ और है, यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे सबके पास ये जानकारी पहुँच जाए। अब चलिए जनरल मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। तो इसमें तो पहला है बोट एंड स्ट्रीम्स, परसेंटेज, SICI हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ट्रिग्नामेट्री हो गया, फिर अपना स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम वर्क एंड वेजेस हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, LCM HCF है, प्रॉब्लम्स ऑन एज्स है, जियोमेट्री है, मिक्सर एंड एलिगेशन है, परसेंटेज है, फिर नेक्स्ट है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स और मेंसुरेशन। ये चीज़ें हो गई। अब चलिए देखते हैं हम हिंदी में क्या क्या आता है। हिंदी भी अपनी 20 नंबर की आती है, और हिंदी तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा सा कम मेहनत करके भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो हिंदी की भी अच्छे से तैयारी कर लें जिससे आप अच्छा मतलब नंबर ला सकें, जिससे आपका सिलेक्शन तय हो सके। पहला है इसमें कारक, उपसर्ग और प्रत्यय, वाक्य सुधार, पर्यायवाची या विलोम शब्द, वर्तनी की त्रुटि, रिक्त स्थान। अब रिक्त स्थान में पूरा ग्रामर पोर्शन वाले को बीच में डाल देता है, उसी से रिक्त स्थान बनाता है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि, फिर है वाक्यों में त्रुटियाँ, समास, स्त्रीलिंग, पुलिंग, यानी मेल फीमेल चेंज करने के लिए भी आ जाते हैं एक आध क्वेश्चन, उसमें से हो गया। अब है कंप्यूटर। कंप्यूटर से वो बेसिक नॉलेज आता है। तो पहला है बेसिक ऑफ कंप्यूटर यानी कि BOC, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, रैम या रोम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये अपना कंप्यूटर का है। इससे भी 20 नंबर के आते हैं। तो तैयारी अच्छे से करें। अब चलिए देखते हैं
रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज है। इसमें देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया, लैंड रिफॉर्म्स, रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, रूरल पॉवर्टी एंड एलाइड थीम्स, बेसिस ऑफ रूरल इकोनॉमिक, रूरल ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज, सोशल इंक्लूजन, इंडियन एग्रीकल्चर हो गया जो भारतीय कृषि व्यवस्था है। उसके बाद है इरिगेशन रिसोर्सेज एंड प्रोजेक्ट्स हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे ग्राम आवास योजना हो गई, फसल बीमा योजना हो गई, ग्राम सड़क योजना हो गई, रूरल अनएम्प्लॉय एंड मनरेगा हो गया। अब चलिए इसी को हम पूरा विस्तार से हिंदी से समझते हैं। मध्य प्रदेश पटवारी का पाठ्यक्रम और परीक्षापन 2018 है। हर साल मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड MPPEV पटवारी परीक्षा आयोजित करता है। इसीलिए जो पटवारी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार हैं वो अपना सिलेबस चेक करते रहते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं हम क्या क्या आता है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न में एक अंक होता है। उम्मीदवार को 90 मिनट के भीतर प्रश्न पत्र पूरा करने की ज़रूरत होती है। प्रश्न पत्र उद्देश्य प्रकार का होता है जो पटवारी परीक्षा पाठ्यक्रम और पैटर्न के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हम नीचे हम दे सकते चलिए दिखाते हैं। अपना देखिए पैटर्न क्या है, वही सब चीज़ें, वही इंग्लिश मीडियम का हिंदी हो गया। सामान्य ज्ञान अपना 20 नंबर का आता है, सामान्य गणित और सामान्य योग्यता भी 20 नंबर की है, सामान्य हिंदी 20 नंबर की, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज ये भी 20 नंबर का अपना आता है, कंप्यूटर विज्ञान 20 नंबर का, यानी कुल मिला के टोटल आता है 100 नंबर का। 90 मिनट का हमको समय मिलता है, 90 मिनट यानी कि डेढ़ घंटे में हमें इसे करना होता है। चलिए इसको पूरा विस्तार समझते हैं। सामान्य ज्ञान में क्या क्या है, अपना अर्थशास्त्र है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, किताबें और लेखकों हैं, भारत और MP का इतिहास, महत्वपूर्ण पुरस्कार, भौतिक विज्ञान, भारत और मध्य प्रदेश का भूगोल, महत्वपूर्ण आविष्कार, महत्वपूर्ण तिथियां, राजनीति, MP की कला और संस्कृति और सामयिकी। तो दोस्तों इसमें जो GK है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज अपने MP का रहता है, इसलिए GK में आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फोकस दे के MP को तैयार करें और उससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा MP से मतलब वो फोकस करता है और MP ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है। गणित में चलिए देखते हैं, सामान्य गणित और सामान्य योग्यता, इसमें नाम और स्ट्रीम हो गया, प्रतिशत है, SICI साधारण व्यास, चक्रवृद्धि ब्याज हो गए, साझेदारी, त्रिकोणमिति, गति, समय और दूरी, समय, काम और मजदूरी, औसत, अनुपात और समानुपात है, LCM और HCF, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक है, युग्मीय समस्याएं, फिर है ज्यामिति, मिश्रण और गठबंधन, प्रतिशत, पाइप और सिस्टर्न्स, लाभ हानि और छूट और क्षेत्रमिति। ये हो गया हिंदी में, तो हिंदी से ही था, पर चलिए एक बार देख लेते हैं। और कारक है, उपसर्ग और प्रत्यय है, वाक्य सुधार है, पर्यायवाची या विलोम शब्द, वर्तनी की त्रुटि, रिक्त स्थान, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि, वाक्यों में त्रुटियाँ, समास, स्त्रीलिंग, पुलिंग। ये हो गया अपना हिंदी से। अब चलिए कंप्यूटर देख लेते हैं। कंप्यूटर में कंप्यूटर की मूल बातें यानी कि BOC बेसिक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, रैम रोम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज हैं। इसमें हरित क्रांति, भूमि सुधार, राजस्व अधिकारी की भूमिका क्या होती है, ग्रामीण गरीबी और सहयोगी थीम्स, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मूल बातें, ग्रामीण कल्याण गतिविधियाँ, सामाजिक समावेश, भारतीय कृषि, सिंचाई साधन और परियोजनाएं, सरकारी योजनाएं यानी कि इसमें ग्राम आवास योजना है, फसल बीमा योजना है, ग्राम सड़क योजना है और ग्रामीण बेरोजगारी और मनरेगा है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें ऐसी जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।